आईपीएल सीजन 15 के बीचों बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। शनिवार शाम को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया है। जडेजा के कप्तानी छोड़ने से बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने का फैसला लिया है। शनिवार 30 अप्रैल शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जडेजा सीएसके की कप्तानी वापस एमएस धोनी को सौंपेंगे। सीएसके ने जारी किए बयान में लिखा, रविंद्र जडेजा ने अपने खेल पर और ज्यादा फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने एमएस धोनी से सीएसके की कप्तानी करने का निवेदन भी किया है। सीएसके ने जारी रिलीज में यह भी बताया कि एमएस धोनी ने टीम हित में कप्तानी करने का फैसला ले लिया है। सीएसके ने कहा, एमएस धोनी सीएसके के हित को ध्यान में रखते हुए टीम की कप्तानी संभालने के लिए तैयार हो गए। साथ ही उन्होंने ये फैसला इसलिए भी लिया है जिससे जडेजा अपने खेल पर ध्यान लगा सके। सीजन 15 के बीचों बीच आई इस खबर ने सीएसके फैंस को खुश कर दिया, क्योंकि जडेजा की कप्तानी में चेन्नई की टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। आईपीएल 2022 शुरू होने से ठीक पहले धोनी ने टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने अपने खेल को ध्यान में रखते हुए रविंद्र जडेजा को टीम की कप्तानी सौंपी थी, लेकिन जडेजा की कप्तानी में ना तो टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाई और ना ही जडेजा का प्रदर्शन बहुत खास रहा है। अगर सीएसके के अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो टीम को 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 ही जीत मिली है, जबकि टीम ने 6 मुकाबले गंवाए हैं। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई की टीम नीचे से दूसरे स्थान पर है। सीएसके की कप्तानी करते हुए रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन की बात करें तो वो भी बेहद खराब रहा है। जडेजा ने इस सीजन गेंदबाजी में सिर्फ 5 विकेट लिए हैं और इन विकेट्स के लिए उन्होंने 213 रन लुटाए। वहीं बात बल्लेबाजी की करें तो जडेजा के नाम 8 मैचों में 112 रन, जिसमें उनका हाइएस्ट स्कोर महज 26 रन रहा है। अब देखना होगा कि कप्तानी का प्रेशर हटने के बाद रविंद्र जडेजा कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। फैंस को सीएसके के रविवार को होने वाले मैच का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिसमें चेन्नई की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरेगी, जहां पर एमएस धोनी एक बार फिर टीम की कप्तानी करते नजर आए। खास नजर इस चीज पर भी होगी कि क्या एमएस धोनी के वापस कप्तानी संभालते ही चेन्नई की टीम अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, क्योंकि आईपीएल 2022 में तो ऐसा होता अब तक नहीं दिखा है। सबसे खराब प्रदर्शन मुंबई इंडियंस ने कराया और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नीचे से दूसरे स्थान पर दिख रही है। चेन्नई के फैंस जरूर चाहेंगे कि बदले कप्तान के साथ उनकी टीम की किस्मत भी बदल जाए। कैमरे के पीछे हैं जतिन, मैं हूं विपिन, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।